सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ क्राफ्टर एसएमसी। और गाइस कैसे हो आप सब लोग। वीडियो का लाइक रहने वाला है 40 का एंड होप सो आप लोग कंप्लीट जरूर कर दोगे। आज के वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं स्लेयर मिशन। जी हाँ गाइस, हमारी नई आईडी के अंदर हम लोग करने वाले हैं स्लेयर मिशन। आई थिंक सो भाई मैं कर लूँ वही बहुत है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल भाई सच बताऊँ तो पहली बात कि इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बताने भी वाला हूँ कि आप लोग आपके जो वेपन्स होते हैं उनकी डैमेज कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, खास करके टिम्बर शाफ्ट। भाई देखो, टिम्बर शाफ्ट एक ऐसा वेपन है जो कि अपग्रेड हो सकता है आफ्टर उनके ऊपर एन्चेंटमेंट्स लगाने के बाद। उसके कुछ किल्स होता है, आप उसके टॉप मैक्स स्किल्स तक पहुंच जाओ फिर उसका जो डैमेज होता है वो 1800 तक का हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये इससे अपग्रेड मार सकते हो। ठीक है, सेम एज भाई ऐसे कुछ वेपन्स है जैसे कि अपना टिम्बर शाफ्ट हो गया, फ्रोजन स्नाइथी हो गया, जोम्बी स्वॉर्ड हो गई, फिर आपका क्या बोलते हैं अपने रेवेनेंट की वो जो स्वॉर्ड आती है वो हो गई, फिर आपका रीपर फैल्कन रीपर स्नाइथी वगैरह। तो ये सब ऐसे वेपन्स हैं जिनको आप एन्चेंटमेंट वगैरह करने के बाद भी आप उनको मैक्स आउट कर सकते हो विद द किल। ठीक है, तो गाइज अभी हम लोग ने पहन लिया है हमारा एक आर्मर जो कि हमें मिला था गिव अवे के लिए। ठीक है, तो अभी ये पूरा का पूरा हम लोग ने मैग्मा आर्मर पहना है और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसके अंदर भी गाइस स्किल्स मैटर करते हैं, कोई कोई आर्मर आता है मैग्मा आर्मर है, आपका रेवेनेंट हॉरर आर्मर है, उनके अंदर किल्स के हिसाब से आपका आर्मर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस हम लोग अभी आए हुए हैं हमारा एक किल करने के लिए। मतलब हम लोग अभी ले रहे हैं वुल स्लेयर लेके रखा है, लेट्स सी हम लोग वो कंप्लीट कर पाते कि नहीं। और जी हाँ गाइस, आप सही देख रहे हो, मैं टिम्बर शाफ्ट से 250 वालों को किल कर रहा हूँ, वो भी वन टैप। ठीक है, आपका जो नॉर्मल वाला फर्स्ट होगा ना जिसके अंदर जीरो किल होंगे, आप उससे 250 वालों को नहीं मार सकते। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा माना लेवल कितना है, आप मेरी हेल्थ देख सकते हो। ठीक है, तो एज इट इज़ आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग कितना जल्दी यहाँ पे इसको मार सकते हैं। ये मेरा नहीं है यार, फिर भी मेरे को मारने का, भाई तू मारना तेरे वाले को, मेरे वाले को क्यों मरवा रहा भाई, मेरा आ जाएगा भाई इतने में। भाई क्या लगता है मैं मार पाऊंगा इसको, मेरे को तो नहीं लगता भाई सच्ची में, मेरा हेल्थ इतना है। बट भाई देखो मैं सच बता रहा हूँ, मैं सोलो किल नहीं कर सकता। ठीक है, आई कैन ट्राई बट आई कैन नॉट डू सोलो किल, मेरे को हेल्थ तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो भाई यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ ज़ॉम्बी स्लेयर करने की, वुल स्लेयर तो भाई हमारा फेल आउट हो गया, मैंने उसकी वीडियो नहीं उतारी भाई सच में, भाई मैं मर गया भाई। वो बंदा पता नहीं भाई 750K की हेल्थ लेके आ गया, उसमें भी उसका रीजनरेशन चल रहा है, मैं उसे मारे जा रहा हूँ, वो बंदा मर नहीं रहा भाई। तो भाई लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन भाई उसको मारूँ कैसे। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर फ्रोजन स्नाइथी का कोई मतलब नहीं है, उसके ऊपर ना ही टिम्बर शिफ्ट का कुछ काम आता है भाई सच्ची में, उसको नहीं मार सकते। तो भाई प्लीज़ मेरी हेल्प ज़रूर करना अगर कोई भी कर सकता है तो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अभी ज़ॉम्बी स्लेयर कंप्लीट करते हैं, लेट्स सी हमने कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग भाई जितना जल्दी हो सके मैं यहाँ पे किल करे जा रहा हूँ भाई यार, मेरे कोई हेल्प ही नहीं करता भाई, सोलो लिविंग कर रहा हूँ, आई मीन सोलो किल कर रहा हूँ यार। अच्छा है, मेरा माना लेवल इतना ज़्यादा है भाई जिसकी कोई हद नहीं है भाई सच में। ये मैग्मा आर्मर भाई वन ऑफ द बेस्ट आर्मर है भाई, हेल्थ आप देख लो भाई ऑलमोस्ट 1K टच हेल्थ कर गई, मतलब करने वाली है इतनी तो भाई मेरे पुरानी आईडी के अंदर रेवेनेंट वाले आर्मर की भी नहीं है। एंड प्लस माना लेवल आप देख सकते हो, हाँ वो वाला जो रेवेनेंट आर्मर है मेरा, अभी मैंने उसके अंदर किल्स कंप्लीट नहीं करे, बट अगर उसका किल कंप्लीट करता हूँ तो मेरा हेल्थ समवेयर अराउंड 1200 टू 1100 तक का हो जाएगा एंड माना लेवल मेरा उसमें 1K प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उसके अंदर भी मैं अभी ग्राइंडिंग चली रही है मेरी। ठीक है, तो भाई यहाँ पे मेरे को जो चीज़ें करनी है मैं वो कर लेता हूँ सबसे पहले। यार ये बंदे जो होते हैं ना मेरे को बहुत दिमाग पाते भाई सच्ची में, भाई सच में भाई सोलो किल तो भाई मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपका जितना भी आर्मर अच्छा होना भाई T3 के बाद कभी भी सोलो किल मत करना, क्योंकि भाई उसमें क्या होता है वुल स्लेयर ले लो या ज़ॉम्बी स्लेयर ले लो दोनों के अंदर आपको पॉइजन इफेक्ट्स आते हैं, प्लस आपका अर्थक्वेक इफेक्ट वगैरह उसका जो भी होता है वो, प्लस वो आपको अलग से जो डैमेज देगा वो। ठीक है, तो आप लोग भाई कुछ भी कर लो, बहुत रेयर इन केस आपका एकदम टॉप नोच वाला जो आर्मर होगा ना उसके अंदर ही आप मार पाओगे, बाकी तो भाई मैग्मा वगैरह भूल जाओ भाई, जितना भी उसका हेल्थ वगैरह आप नहीं मार सकते। ठीक है, एटलीस्ट बेस्ट आइडिया मैं दूँ ना तो आप हमेशा ट्राई करना कि आपके एक दोस्त या दो दोस्त हो जब आप क्या बोलते हैं ये मिशंस करो, रेमिनेंट हॉरर का करो या वुल स्लेयर करो या जो भी है भाई,
याद रखना दो या तीन प्लेयर आपके साथ एक्स्ट्रा होने चाहिए जिनके भी जिसके आर्मर मतलब अच्छे हो, ठीक है। लाइक मैग्मा आर्मर मेरे वाला जैसा हो तो भी चल जाएगा, या तो फिर फ्रोजन वाला हो, या ब्लेज आर्मर हो, या रेवेनेंट आधा भी हो, जोम्बी आर्मर भी हो, तो भाई दैट्स अ वेल एंड गुड थिंग, ठीक है, वो चल जाएगा आपके साथ, ठीक है। देखो जैसे मैं अब भी मर गया भाई, मैं अकेला नहीं कर सकता, मेरा आपने हेल्थ देख लिया, मैग्मा देख लिया, भाई मैं नहीं कर सकता फिर भी अकेला, बट अगर मेरे साथ दो तीन और बंदे होंगे ना सेम मेरे जितने लेवल पे, हम लोग आराम से ख़त्म कर सकते हैं। तो मेरा मानना यही है, इजीएस्ट वे अगर आप लोगों को ज़ॉम्बी स्लेयर वगैरह कंप्लीट करना है तो बेस्ट वे बता रहा हूँ, आप आपके कुछ दोस्तों को लेके जाओ, उसमें क्या करो आपका बॉस स्पॉन कर दो और एक के पीछे भगा दो, दैट्स इट। फिर उसके बाद भाई वो बंदा आपके पास नहीं आएगा, आपके फ्रेंड्स उसको ख़त्म कर देंगे एंड यू आर गुड टू गो, आपका मिशन ईजी वे में कम्प्लीट हो जाएगा विदाउट वेस्टिंग मोर मनी, ठीक है। तो ये गाइज वन ऑफ द बेस्ट एंड ईजिएस्ट वे मैंने आपको बता दिया कि आप लोग कैसे ज़ॉम्बी स्लेयर्स या वुल्फ स्लेयर कंप्लीट कर सकते हो, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ भाई, सच्चे में मैं अकेला आप कभी किल करने की ट्राई मत करना। हाँ अकेले किल तभी ट्राई करना जब आपका आर्मर भाई आपकी हेल्थ 11,000 हो, 5,000 हो या 6,000 हो और आपका डैमेज भी उस हिसाब से हो, ठीक है, तो ये बेस्ट चीज़ है। तो बस गाइज आज का वीडियो यहीं पर मिलता है अगले वीडियो के अंदर, तब तक ले गाइज सी यू टाटा एंड बाय बाय।